प्लेस टाइम। ड्राइवर्स के क्या आदि क्या अधिकार हैं, इस संबंध में हमारे साथ जो है वो स्पेशल कमिश्नर हैं मिस्टर रॉबिन हिबू जी हमारे साथ हैं। और हम आज जिस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ प्रोग्राम अपने ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए किया है, उस संबंध में आपकी सरकार और आपका विभाग वो किस प्रकार के स्टेप्स ले रहा है? देखो, एक तो है कि मुझे आज बुलाया कि उनका कॉन्फ्रेंस है, तो मैं पहले से इन संस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर है, मैं समझता हूँ कि कहीं भी देश में जाओ, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, अगर ड्राइवर या ट्रैफिक कॉन्स्टेबल अगर ठीक ठाक है तो उस देश का छवि बन जाता है। मेरा ये इन सब से यही सुझाव रहेगा कि यूनियन वालों से कि आपका जो ड्राइवर है अगर हो सके तो उसको फेज वाइज पहाड़ों का ड्राइवर सिखाए, ताकि हमारा वहाँ का जो अच्छा ड्राइवर आपको भी सिखाएंगे कि कैसा पहाड़ में चलना है, किस तरह से इसका ये मुसीबत आते हैं, तो उससे उनका वो सब चलाने तो जानता ही है, लेकिन पहाड़ में एक अलग से एक स्किल की ज़रूरत होता है, ज़्यादा मेंटल अलर्टनेस होने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको सहानुभूति रखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इनका जो मुद्दा है सर, साथ ही सुरक्षा कार्ड के लिए, तो मुद्दा आपको क्या लगता है सर, जेन्युइन मुद्दा है इनका या इसमें कुछ कठिनाई है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि कोई भी इनके लिए सुरक्षा के लिए जो भी कोई कुछ भी कदम होता है जो जरूर होना चाहिए कानून के तहत जो होना चाहिए। लेकिन सर, एक खतरा तो जो है वो सवारी को भी बना रहता है, टूरिस्ट होते हैं उनके भी, उनके लिए भी एक रिस्क होता है, तो क्या इस किस्म के भी कोई आदेश आपकी तरफ से होते हैं कि वो ड्राइवर इसका खास ध्यान रखें, जो टूरिस्ट हैं उसको पूरा सुरक्षित रखें? बिल्कुल, इस संबंध में आपकी तरफ से क्या नोटिफिकेशन है? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, कोई भी अगर विदेश से या अपना देश से दिल्ली में या कहीं भी अगर यहाँ आते हैं, तो मैं तो शुरू में मैंने जैसा आपको बताया है, अगर आप उनको सही तरीके से बर्ताव करेंगे, उनको गाइड करेंगे, वो अच्छा छवि लेके जाएंगे, जब घर वापस जाएंगे, नागालैंड में वापस जाएंगे, जापान में वापस जाएंगे, कहीं भी अपने देश में या अपने स्टेट में वापस जाएंगे, तो ये मैं कहूँगा कि आपको अतिथि देव भावे, जो हमारे जो संस्कृति में कहावत है, क्योंकि वही उसी से आपका रोजी रोटी चलता है, इन्हीं के द्वारा बिजनेस चलता है, इन्हीं के द्वारा हमारे देश का छवि होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप, पुलिस तो है ही है, इस देश को छवि बनाने में उनका बहुत ही योगदान है, हाथ है, और सब में ड्राइवर को यही मैं कहूँगा कि कभी मत सोचना कि आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं, आप खुश होकर काम कीजिए, रेड लाइट ट्रैफिक मत कीजिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत की हर खोशे गंदुम को जला दो। आज बात मजदूरों की हो रही है और यहाँ ड्राइवर भी मजदूरों में कंसिडर किए जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कर किए जाते हैं कि नहीं, ये सरकार बताएगी या प्रेसिडेंट बताएंगे? मिस्टर भुल्लर, ये वसंत, ये मिस्टर भुल्लर हैं जो ड्राइवर्स यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ इनको जो सहयोग मिला है वो देश की दूसरी स्टेट से भी मिला है। आपकी सेवाएं भी अच्छी होती हैं, लेकिन आपकी इस वक्त डिमांड जो है वो सरकार से है ना जी? क्या डिमांड है? हम सरकार से डिमांड जो मांग रहे हैं, पिछले लगभग 13 साल से, आज हमें 13 साल हो गए हैं, पहली तो हमारी डिमांड थी कि 1936 का क्लॉज नंबर 6 जो कानून 80 साल पहले बनाया गया था उसको ख़त्म किया जाए। क्या था वो? उसमें लिखा हुआ था कानून में कि मजदूर को, ड्राइवर को जो तनख्वाह है, मासिक वेतन, वो सिक्के या करेंसी में दिया जाए। तो उसकी वजह से हमारे क्या सिस्टम था कि दिल्ली में या देश में हमारे मालिक सैलरी तो देते थे हमें 2000, लेकिन साइन करवाते थे 6000-7000 पे, वो अपना भी टैक्स चोरी कर लेते थे और अपना भी सिस्टम पूरा कर लेते थे, और ड्राइवर का हनन होता था हकों का। हमने उस मद को बदलवाने के लिए प्रयास किए, हमें उस लड़ाई को लड़ते लड़ते लगभग 10 साल लगे। 22 दिसंबर 2014 को उसकी आवाज़ हमारे भगवंत मान जी ने मेरे इस क्वेश्चन को पार्लियामेंट में उठाया, मैंने उनको लिख के दिया बकायदा, मैं आपको पिक भी यहाँ शेयर करूँगा, वो 0 आवर में क्वेश्चन आया, और जब वो क्वेश्चन आया तो उसके बाद में वो जो 27 नवंबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री जी ने मन के बात में कबूला, 28 दिसंबर 2016 को अध्यादेश पास किया गया उस कानून को बदलने के लिए, और 17 फरवरी 2017 को उस कानून को बदल दिया गया पूरी तरह से कि देश के मजदूरों को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ते हुए ड्राइवर को सैलरी बैंक अकाउंट में मिलेगी। लेकिन आज उस कानून को बदले हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी IAS अधिकारी, ब्यूरोक्रेट उसको लागू नहीं कर रहा है।
आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार के लोगों को भी आप बुला रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पीछे फाइनेंस मिनिस्टर, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर आपके पास शायद आने वाले हैं और गौतम गंभीर भी शायद आएंगे, है ना? तो ये तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो आप अपना अभियान चला रहे हैं या सरकार के सहयोग के साथ अपनी डिमांड्स को पूरा कराना चाहते हैं? हम देखो सर, अभी तो हम सरकार को बता रहे हैं कि आज पहले दिल्ली ने ये शुरू करी थी, अब ये मांग में पंजाब भी साथ आ गया, चंडीगढ़ भी आ गया, गुजरात भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, उत्तराखंड भी आ गया। ये धीरे धीरे काफिला हर स्टेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारी जो दूसरी डिमांड चल रही है हमारी कि सरकार छोटे मजदूरों को लेके, व्यापारियों को लेके कह रही है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 3 साल से हम मांग कर रहे हैं कि ड्राइवर के परिवार को सुरक्षित किया जाए। ड्राइवर जब चला जाता है, क्योंकि रोड पे ही वो रहता है, वो घर में तो टाइम पहले भी नहीं दे पाता, वो कभी आज बम्बे, कभी कलकत्ता, कभी कहीं, कभी कहीं, लेकिन जब वो जाता है तो उनका परिवार तो बिल्कुल अकेले रह जाता है। जब वो जी रहा है तभी भी वो घर में नहीं है, लेकिन जब वो चला गया तो वो तब भी घर में नहीं है, उसके बच्चे रुल जाते हैं। ये घटनाएँ हमने उस टाइम देखी है जब अप्रैल 2016 के अंदर एक कुलदीप ठाकर नाम के ड्राइवर की गोली मार के नजफगढ़ के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो जब उसकी बच्ची का हमें कन्यादान करने का मौका मिला, तब से हमने कहा कि यार जब इनके परिवार के पास पैसे नहीं है तो दूसरे ड्राइवरों का क्या हाल होगा। तो हमने 1/1/2011 को डॉक्टर धर्मवीर गांधी सांसद मेंबर हैं, उनको ये मांग रखी, उन्होंने ये मांग को हमारे सांसद में उठाया 9 सितंबर 2018 को। पिछले साल वो हमारे कन्वेंशन में आए थे जी। बुल्लट जी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम दर्शकों को भी ये बात बता रहे हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक ट्यूनिंग बनाए रखने के लिए, वो होते हैं अधिकार और हमारे कर्तव्य। तो जैसे आप अपने ड्राइवर्स के अधिकारों की बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, उनको मिलने चाहिए हर हाल में और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये दर्शकों से हम इस वक्त बात कर रहे हैं और आपके साथ भी जाहिर है हमारी बातचीत चल रही है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, अधिकारों की भी बात की जा रही है, तो क्या जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं ना? बिल्कुल, ड्राइवर्स के साथ में कि वो ले गए, वो किडनैप कर लिया, ऐसे भी कई केसेस हैं, 28-29 केसेस तो हमारे पास ऐसे आए कि वो किडनैप कर लिया, पता ही नहीं ना ड्राइवर का पता ना सवारी का पता। तो क्या आप उनको कुछ एजुकेट भी करने का काम करते हैं अपने ड्राइवर्स को कि भाई आप जब किसी सवारी को ले जा रहे हैं तो सवारी के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए? मैं सर आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे 2-3 साल पीछे लेके जाता हूँ। दिल्ली के अंदर महिला वूमेन के स्पेशल सीपी थे संजय बैनीवाल, मैंने उनको एक आइडिया दिया, हम इंडियन हैबिटेट सेंटर के अंदर मीटिंग चल रही थी कि उनको एक आइडिया दिया, मैंने कहा सर हम सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ एक आपको आइडिया देते हैं, ड्राइवर की सीट के पीछे उसका फ़ोटो, उसका लाइसेंस का नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिखा हो और नीचे दिल्ली पुलिस का 100 नंबर 1092 वुमेन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ये 4-5 नंबर आप जोड़िए और एक ईमेल नीचे लिख दीजिए दिल्ली पुलिस की। वो आ गया, वो लगा दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ ना जो चीज़ आप कहना जा रहे हैं, जो लगा दी गई है ये मेरा प्लान था। ओके, हाँ जी, जिसमें मेरे को रखा ही नहीं गया, कल मेरा कहीं नाम ही नहीं आया, ये मेरा प्लान था। संजय बैनीवाल जी को ऑन रिकॉर्ड मैंने मेल किया हुआ सब कुछ बना के, उन्होंने मेरी मीटिंग DCP संजय भट्टी से कराई, करा बुलंद, बहुत अच्छा आइडिया, इसको एयरपोर्ट से इंप्लीमेंट करते हैं, वहाँ मीटिंग होगी। मैंने उसके बाद उनको कॉल करना शुरू किया, बल्कि कल मैंने DCP भट्टी साहब को फ़ोन भी किया, मैं कहा सर बहुत बहुत बधाई हो और ये चीज़ आ गई है। जैसे 1936 के कानून से ये मेरा नाम निकाल दिया गया, 10 साल हमने उसके ऊपर फाइट करी है, लेकिन PMO के ऑफिस के लेटर मेरे पास है। तो ऐसे ये आइडिया मैंने सरकार को दिया था, हम दर्शकों की सिक्योरिटी को लेकर पहले अपने वचनबद्ध हैं, दर्शक की हमारे जो पर्यटक है, सवारी है, जो पर्यटक है, देसी है चाहे विदेशी है, अब मैं आपको कुछ वीडियो आज दिखाऊंगा, विदेश में बैठे हुए स्पाइनिश क्लाइंटों ने हमें अप्रिशिएट किया हमारे काम को देख के, हमारे मैगजीन को देख के। वो क्ली भाइयों को बताना चाहता हूं कि सभी ड्राइवर भाई एक मंच पे आए, इंडिया लेवल की एक जूनियर बने हमारी, और जब तक के जूनियर नहीं बनेंगे तब तक हमारी सरकार हमें कुछ नहीं देगी। सरकार पूरा उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करे, इम्प्लीमेंट करे ता जो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, सारथी भाई हैं, उनको चेक के साथ ही सैलरी मिले, जैसे मुलाजिम है पंजाब पुलिस के हैं, सेंटर के महकमे के हैं, वो सैलरी मिलती है तो अकाउंट में आती है कट कट आगे, ऐसे ही हम चाहते हैं ऑन द वे हो, या सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का कोई आंदोलन होता है उसके अंदर ड्राइवर बंधु को जब गाड़ी लेके जाया जाता है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो हमने राज्य सरकार से पिछले करीब 5 साल से ये मांग करी है कि जब भी ड्राइवर बंधु
चुनाव के अंदर ड्यूटी के ऊपर जा रहा होता है और उसके परिवार के साथ में कोई हादसा हो जाता है तो वो भी उस समय एक राज्य कर्मचारी की ड्यूटी निभा रहा होता है तो उसको भी वही मुआवजा दिया जाए जो एक राज्य सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। हमारे यहाँ बनारस में काफ़ी शोषण होता है सैलरी को लेकर के। पर्यटक आते हैं, शॉपिंग कराने के नाम पे जीरो है, सैलरी 3,000, 2,500, 3,200 ये सैलरी है। और हमारे यहाँ बनारस में पार्किंग को लेकर के पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। अच्छा। काफ़ी रोड गड्ढी गड्ढा है। मोदी जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी जी आखिर वहाँ के सांसद होकर के वहाँ की जनता को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? चंडीगढ़ के जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ में सैलरी को लेकर है। अच्छा। आज के टाइम में देश को चलाने वाला ड्राइवर अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी कम है कि वो अच्छे से अपना घर नहीं चला सकता है, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम में पॉलिटिक्स का बच्चा पॉलिटिक्स में जा रहा है, आईपीएस का बच्चा आईपीएस में जा रहा है, पर कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर बने, क्योंकि उसके भी कुछ सपने हैं कि उसका भी बच्चा पढ़ लिख के कोई ऊपर जाए। ठीक है।